नमस्कार। प्रारंभ करो, जारी रखो, इसी विचारधारा से 3 मई 2023 को साईवानी का प्रारंभ हुआ और लगातार पूरे विश्व से हजारों करोड़ों भाई बहन जुड़ रहे हैं। अब इसका दूसरा पर्व शुरू होने का समय आ चुका है। 2024 में भारत की उस भूमि को हम नमन करते हुए सब जिन्होंने इस देश को बनाने के लिए अपना समर्पण दिया उन सब महात्मा को आशीर्वाद लेके शिरडी के साईं बाबा को प्रणाम करके मैं इस कार्य को प्रारंभ करने जा रहा हूं। मैं विश्वास देना चाहता हूं आप सबको, ये भूमि उपजाऊ भूमि है, ये भूमि वीर की भूमि है, ये भूमि देव भगवान की भूमि है और ये भूमि मानवता की भूमि है। पूरे विश्व को एक संदेश दिया और भगवत गीता में जैसे अंधे धृतराष्ट्र ने पूछा संजय को, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताः युत्स्वा मामका पांडव क्षेव किम कुर्वत संजय। हे संजय, अभी कुरुक्षेत्र में क्या होने वाला है? आज के तारीख में 150 करोड़ की हमारी आबादी हो चुकी है, जनता बढ़ रही है। मैं विश्वास देना चाहता हूँ पूरे विश्व में भारत महासत्ता बनेगा और वो भी सिद्धांतिक तौर पर भारत बनेगा। ऐसा नहीं है कि कोई हम सिद्धांत छोड़ के काम करे, मैं विश्वास देना चाहता हूँ आज। साईवानी का मकसद क्या है? प्रारंभ करो जारी रखो का अर्थ क्या है? रोटी कपड़ा मकान शिक्षा और आरोग्य के प्रति हम कटिबद्ध है, इसीलिए पुणे में देउळगाव गाड़ा तालुका दौंड जिला पुणे में साई बाबा की इतनी बड़ी मूर्ति की स्थापना करके हमने सभी नौजवान युवक और भाई बहन ने इस देश को बनाने का कार्य के लिए हम जो भी करना चाहते हैं तहे दिल से करना चाहते हैं, मन से करना चाहते हैं और राष्ट्र को निर्माण करने के लिए हम कटिबद्ध हैं। अभी आज मैं आप सबको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला और वो खुशखबरी है जो साईवानी का जो कार्ड बनेगा, लाइफ कार्ड है, उस कार्ड को रजिस्टर करने के बाद आपके जीवन में जो जो आपको लगने वाला है उसका सभी चीजों का सहयोग हम करेंगे और उसके लिए हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्षसे महिम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। छोटी सी कहानी से मैं आज आपको अनुग्रहित करना चाहता हूँ और मैं इस बात को समझाना चाहता हूँ कि इसका महत्व क्या है और अर्थ क्या है। खासकर देश को नौजवानों का देश कहा जाता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में मैं अखबार पढ़ता हूँ और देखता हूँ तो कोटा में कितने सारे नौजवान लड़के लड़कियों भाई बहनों ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। जीवन का रास्ता नहीं दिख रहा है और ये रास्ता दिखाने का काम साई योग और साई क्रिया कर रही है, साई ध्यान करवा रहा है, साई वाणी का प्रारंभ भी इसीलिए हुआ है। कहानी ठीक से सुनो भाई और बहनों, बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। एक लड़का अपने जीवन में 7-8 साल की उम्र में अपने पिताजी के साथ एक मंदिर से 15 किलोमीटर की दूरी में उसका फूल का व्यापार था। जो लोग मंदिर में सुबह सुबह 3-4 बजे निकलते थे उन लोगों को फूल देने का काम वो करता था। लेकिन उसने सोचा, मैं भी फूल लेके भगवान को जामने जाऊँ, मैं तो हर दिन लोगों को देता हूँ, लेकिन मैं वो लोग जिस भगवान को फूल चढ़ाते हैं उस भगवान को मैं मेरे हाथ से देना चाहता हूँ। और फिर वो निकला, सोचा उन्होंने, लेकिन उसकी उम्र के 50 साल निकल गए। 51 इयर्स में उसने सोचा, नहीं, आज मैं मेरा दुकान नहीं चलाऊंगा, दुकान बंद रख के मैं खुद ये फूल भगवान को लेके जाऊंगा। लेकिन अंधेरे में निकला तो हाथ में एक छोटी सी लालटेन थी। जब फूल दे रहा था उसको इतना पता था कि मुझे लोग आते थे, फूल लेते थे, लोग आगे चले जाते थे, लेकिन जिंदगी में ये लड़के क्यों, ये लड़कियां, ये भाई बहन क्यों अपने जीवन में निराश होते हैं? क्योंकि उनको आगे का रास्ता नहीं दिखता है। उस प्रकार वो 8 साल से लेके 50 साल तक लगभग 42 इयर्स तक वो फूल देता रहा, लेकिन उसको ये पता नहीं चला कि फूल भगवान को कैसे चढ़ाए जाते हैं। जब रास्ते पे आया, छोटी सी लालटेन थी, लालटेन से सिर्फ 2 कदम आगे के दिख रहे थे, वही बैठ गया। बाजू से एक छोटी, उससे भी छोटी लालटेन लेके एक इंसान चल रहा था। उसने पूछा, फूल वाले को पहचाना और बोला, बेटा क्यों यहाँ बैठे हो? क्योंकि उसकी उम्र तो 70 साल थी, इसकी तो 50 साल थी। तो फिर पूछा कि मेरे हाथ में लालटेन है और मैं आज पहली बार भगवान को फूल चढ़ाने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे लालटेन से तो सिर्फ 2 कदम दिखते हैं, मैं आगे का 15 किलोमीटर का रास्ता कैसे तय पार करूं? उस समय उस 70 साल के बूढ़े इंसान ने उसकी तरफ देखा और हंसा और कहा, बेटा तू 2 कदम चल, इसी लालटेन से तुझे आगे के 2 कदम दिखेंगे। लाओत्सु भी कहते हैं, अगर हजारों कदम चलना है ना भाइयों, तो पहले 1 कदम डालो, दूसरे ऑटोमेटिकली गिर जाएंगे। हमारे भारत देश को ये जो मैं आज यात्रा करने जा रहा हूँ 3 मई से लेके 23 नवंबर तक, भारत का कोना कोना साईं बाबा के आशीर्वाद से
हम जमीन से जुड़ के काम करने वाले हैं और इसी काम से साईवानी प्रारंभ करो जारी रखो का नारा लगाकर साईवानी.store इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे मुझे बहुत पैसा कमाना है, इसीलिए नहीं लेकिन मेरे भाई बहन को अपने बनाए हुए स्टार्टअप को, नॉलेज को, उनके ज्ञान को, उनके प्रोडक्ट को एक व्यासपीठ मिले, इस कार्य के लिए हम जुड़े हैं। प्रारंभ करो और जारी रखो का कार्य ऐसे ही चलता रहेगा, उसमें कोई दोहरा नहीं, कोई शक नहीं, क्योंकि श्रद्धा और सबूरी और मानवता ही धर्म है। इस साईं बाबा के विचारों से हम चल पड़े हैं, मानवता ही धर्म है, इसी धर्म के प्रति हम कटिबद्ध है, क्योंकि ये कहानी भी बताने का लक्ष्य इतना ही था, यत्र योगेश्वर हो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री रविजयो भूतिर ध्रुवा नितिर मतिर मम। जहां भगवान कृष्ण ने आशीर्वाद दिए है और जहां साक्षात भगवंत होते हैं वहां विजय होता है, और उस विजय को बताने के लिए किसी और की जरूरत नहीं, मैं खुद एडवोकेट डॉक्टर सुनील लाना साहब कर पे इस बात पे 29 फरवरी 2024 को इस लीप ईयर में आने वाले फरवरी महीने के 29 तारीख को हम साईवानी.store की निर्माती के लिए ओपनिंग कर रहे हैं, स्थापना कर रहे हैं। एक होनहार और समझदार लोगों को यहां अपॉर्चुनिटी देने के लिए हमने ये प्लेटफॉर्म खड़ा किया है। भाई और बहनों, पिछले एक साल से लगातार मैं आस्था में जब बोलता रहा हूं, लोग सुनते रहा रहे और हजारों करोड़ों लोग भाई बहन कह रहे सुनील जी जब हम साई क्रिया और साई ध्यान करते हैं हमें प्रसन्न लग रहा है। आज ये कहानियां क्यों बता रहा हूं मैं, इस कहानियों का अर्थ क्या है? अपने जीवन में अगर कहीं पहुंचना है तो भाई लगातार चलना पड़ेगा, एक दिन चलने से कुछ नहीं होगा। हमें मंजिले उन्हीं को मिलती है जिनके कदमों में जान होती है, पंखों से नहीं दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। और ये हौसला है अपने जिंदगी में कुछ करने का, ये जज्बा है जीवन में कुछ बनने का, और कुछ बनने के लिए और कुछ करने के लिए अगर हमें जुड़ना है तो हमें पीछे नहीं मुड़ना पड़ेगा। आज वो कहानी मैं याद दिलाना चाहता हूं, और वो कहानी है अपने अंदर की जागृति को हमेशा जिंदा रखो, अपने अंदर के हुनर को कभी मरने मत देना, क्योंकि हम अगर किसी के कहने की तरह काम करने लगेंगे तो कुछ भी नहीं बन पाएंगे। प्रयोग करता हूं मैं जिंदगी में, अलग अलग प्रयोग मैंने आज तक किए हैं और बाबा के आशीर्वाद से मैं हर प्रयोग में सफल रहा हूं। रोटी कपड़ा मकान शिक्षा और आरोग्य के प्रति कटिबद्ध होते होते मैं उस देश के, आज अगर हमारा 140 करोड़ का देश हम कहते हैं तो उसमें कम से कम 75% यूथ है, और वो यूथ अगर देखा जाए तो 70-80 करोड़ यूथ को मैं आज आह्वान करना चाहता हूं, आओ जुड़ो हमारे इस प्लेटफॉर्म से, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आपके अंदर के हुनर को ताकत देने वाला है, और वो हुनर होता है उड़ने की कला। उड़ने की कला, उस शक्ति को, उस ताकत को बढ़ाना ही हमारा लक्ष्य है, क्योंकि मैं इसके लिए मैं एक छोटी सी कहानी करके आपको अनुग्रहित करूंगा। कहानी बड़ी प्रीतिपूर्ण है। एक राजा था और बहुत महान राजा था, उसको बहुत पक्षियों के प्रति प्यार था। उनके राज्य में कुछ एक ही तरह दिखने वाले बहुत पक्षी थे, और उनके लिए वो बहुत खाना डालता था, पानी डालता था, उनका ख्याल करता था। उस राज्य में कभी भी कोई पक्षी को मारेगा तो उसको मृत्युदंड दिया जाता था, इतना राजा पक्षियों से प्यार करता था। और उसका मन भी अच्छा था, निर्मल था, साफ था। और वो उनके राज्य में एक दिन अचानक से एक नया पक्षी आ जाता है, तो राजा बहुत खुश होता है कि देखो मेरा प्यार देख के दूसरे राज्यों को भी पक्षी आने लगे। वो देखता है पक्षी आ गया, खुश हो जाता है। अभी जैसे ही वो पक्षी को देखता है तो राजा थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है अपने सभी लोगों के ऊपर, होता है उसको पकड़ के लाओ, देखो इसके पैर कितने टेढ़े हैं, उसके पंख कितने बड़े हैं, उसकी चोंच कितनी बड़ी है। फिर वो सुन रहता है ये तो गलत है, चलो फिर उसको बोलते हैं उसको ठीक करते हैं अपने पक्षियों की तरह। और फिर उनके जो भी वहां के सैनिक थे उनको बुला के बोलते उसके पैर थोड़े कम करो, उसके पंख थोड़े कम करो, उसकी चोंच थोड़ी कम करो, और फिर देखो कितना अच्छा दिखता है। दिखने तो अच्छा लगा लेकिन उड़ नहीं पाया। यही हो रहा है आज के तारीख में, यही हो रहा है। जो इंजीनियर बनना चाहता है वो आर्टिस्ट बनने का ख्वाब देखता है, जो आर्टिस्ट बन रहा है वो उसको इंजीनियर बनना होता है। जो आज के तारीख में अगर आप देखा जाए, कोई किसी को बना नहीं सकता भाई और बहनों, सिर्फ हुनर को चांस देने की जो अपॉर्चुनिटी दे रही है साईवानी, उसके लिए सुनील करपे सिर्फ आपके साथ खड़ा है, आपका भाई बोल के खड़ा है। साई बाबा का आशीर्वाद है, ध्यान करो, शक्ति बढ़ाओ, अपने जीवन में लक्ष्य तक पहुंचो, क्योंकि वो पक्षी जैसा था सही उड़ सकता था उसको उन्होंने काट दिया, उड़ना बंद हो गया। यही तो हो रहा है, यही तो आज क्या हो रहा है। आज अपने जीवन में बच्चे सुसाइड क्यों कर रहे हैं? मैं सिर्फ सुसाइड के मोमेंट पे बात नहीं कर रहा हूं, स्टार्टअप फेल की भी बात कर रहा हूं।
किसी ने कहा और मैं कर रहा हूं, अरे नहीं होता है, उसमें हुनर होना चाहिए भाई, ये अंदर से आवाज होनी चाहिए, और जिसकी आवाज अंदर से आती है उसकी आवाज कोई बाहर वाला बंद नहीं कर सकता है। कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, हमारे पास वो शक्ति होनी चाहिए, वो ताकत होनी चाहिए कि छलांग मारने की ताकत, अगर हम पैर पे खड़े रहेंगे हमारे खुद पे तो हमें कोई गिरा नहीं सकता। गिरता तो वो है जो सोच से गिरा हुआ है, गिरता वो नहीं है वो जमीन पे गिरा है। भाई और बहनों, इसीलिए मैं एक बात यहां कहूंगा, तह दिल से आपको कहना चाहता हूं, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। ये प्रणश्यति है, क्रोध करने से कुछ भी नहीं होगा। अगर क्रोध करना है तो अपने ऊपर करो कि मैं तरक्की कैसे करूंगा, दूसरों के ऊपर क्रोध करने से क्या होगा। और मैं लक्ष्य देना चाहता हूं आज, ये पद यात्रा निकलेगी भाई और बहनों आपके लिए, 3 मई से जब मैं इस भारत भूमि को नमन करते हुए रास्ते से चलूंगा ना, तो मेरे हजारों करोड़ों भाई बहन खड़े होने चाहिए, जिन्होंने उम्मीद खो दी है उनकी उम्मीद बढ़नी चाहिए, जो सोए हैं उन्होंने जगना चाहिए, जो जगे है उसने खड़ा होना चाहिए, जो खड़ा हुआ है उसने चलना चाहिए, जो चल रहा है उसने भागना चाहिए, और जो भाग रहा है उसने सही मार्ग से भागना चाहिए, तभी भारत महासत्ता बनेगा। इसको बनाने के लिए किसी राजनेता की जरूरत नहीं है, किसी पैसे वाले की जरूरत नहीं है, एक चीज की जरूरत है, सिर्फ आपके अंदर की हुनर को जगाओ और अपनी शक्ति को बढ़ाओ। और उस शक्ति को बनने के बाद एक चीज और कहूंगा, बहुत प्यार से कहूंगा, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथ। इस जीवन के महारथ में अगर कोई समस्या है तो वो एक ही है कि अपने अंदर के हुनर को जगाओ, क्योंकि भारत भूमि को बनाना है, राष्ट्र को निर्माण करना है, और इस राष्ट्र को निर्माण करने के लिए हमारा योगदान होना चाहिए। हमारा कार्य सिर्फ खा पी के सोने के लिए नहीं है भाई और बहनों, तो कुछ करने के लिए है, और उस करने का जज्बा रखने की ताकत ये साई वाणी आपको देती है। साई वाणी का लगातार मंत्र रहेगा, प्रारंभ करो जारी रखो, हम रहे ना रहे ये मंत्र जागृत रहेगा, क्योंकि इस भूमि को जागृत करने का काम हम सब कर रहे हैं। हजारों करोड़ हमारे अभी अभी हमारे कोल्हापुर से लेके नागपुर की यात्रा के लिए हमारा बालाजी, मेरा सहयोगी, मेरा परम मित्र अभी जाके आया, और उसका जब स्वागत उस साईं बाबा के सभी मंदिर भक्तों ने किया, वहां के ट्रस्टी ने किया, तो हमें बहुत अच्छा लगा कि जिस रास्ते से हम चल रहे वो रास्ता सही रास्ता है। क्योंकि रोजगार की निर्मिती करना और लोगों को मन बुद्धि और विचार के साथ स्पष्ट करना, शांत करना, यही हमारा लक्ष्य है। इसीलिए साई ध्यान और साई क्रिया एक पार्ट है। एक बात कभी मत भूलना, ये जिंदगी का बहुत अहम चीज है। अगर आपकी मोटरसाइकिल और साइकिल पंचर हुई हो, उसमें हवा नहीं हो, तो कितना भी बड़ा तूफान आने दो, उससे आपकी साइकिल की हवा नहीं भरी जाएगी। आपको पंप लेके उसकी पंचर निकाल के हवा भरनी पड़ेगी, तभी आप उस तूफान का सामना कर सकते हो। कोई कितना बड़ा हुआ, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे रील देख देख के भाई और बहनों, आपके पॉकेट में कुछ नहीं आने वाला है, कुछ आने के लिए कुछ करना पड़ेगा, और कुछ करने के लिए साई वाणी का प्लेटफॉर्म है। इसीलिए हमारी यंग डायनामिक सीईओ देवांशी डेबड़ा, एक डायनामिक लड़की है, एक हुनर वाली लड़की है, एक सपना देखने वाली लड़की है, 22 साल की उम्र में एक कंपनी की सीईओ बनने के बाद मुझे विश्वास है कि ऐसे नौजवानों के हाथ में हमारा देश सुरक्षित है। इसीलिए आओ जुड़ो और इस कार्य को प्रारंभ करो और जारी रखो, इसी कार्य से पीछे नहीं मुड़ना है, भारत को निर्माण करना है। इस देश में 40,000 उद्योजकों को, खासकर उसी जगह की स्पेशलिटी को हम हमारे वेबसाइट पे ला रहे हैं, और उसमें हर्बल्स हो, उसमें अलग अलग आयुर्वेदिक दवाइयां हो, और जो चीज को करने के लिए पूरा विश्व आज भारत की तरफ देखता है, क्यों ना हम करें। आईटी से लेके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लेके इंजीनियरिंग से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके घर से लेके स्कूल से लेके हॉस्पिटल से लेके हर चीज की निर्मिति ये जब परिवार करेगा, तो वो साई वाणी का छोटा सा कार्ड आपको एक चीज बहुत कुछ दे सकता है। इस कार्ड को क्यों लेना है, इस कार्ड से संस्कार मिलेंगे, इस कार्ड से ज्ञान मिलेगा, इस कार्ड से एक जीवन में जो रोजमर्रा की जिंदगी में लगने वाली चीजें इजीली अवेलेबल होगी। इसीलिए मैं आखिरी में 2 शब्द कहूंगा, और मैं यही मेरा ये साई वाणी का आज का ये मेरा जो भी विचार है मैं यही खत्म करूंगा, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक हम मंजिल नहीं पा लेते। और साई वाणी का कार्ड लेना आप सबका आज ये क्रम प्राप्त कर्तव्य है। ओम साई राम, प्रणाम। ओम साई राम, प्रारंभ करो जारी रखो,
इसी विचारधारा से साई वाणी का प्रारंभ हुआ। शिरडी के साई बाबा का आशीर्वाद पाके खुद अपने जीवन में एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी ने साई वाणी के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए 21वीं सदी को सही में साई बाबा के आशीर्वाद से लोगों के जीवन में बदलाव एवं खुशियां लाने के लिए साई वाणी का प्रारंभ किया। लगातार लोग साई वाणी को सुनते आ रहे हैं। साई कृपा जो साई ध्यान से जुड़ी हुई है, क्योंकि मेडिटेशन ही एक ऐसी शक्ति है जो जीवन में क्रांति ला सकती है, बदलाव ला सकती है और खुशियां दे सकती है। लेकिन उसके लिए प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है और अपने संकल्प के प्रति अड़िग रहकर उन्होंने प्राणायाम की श्रृंखला को अपने शक्ति से जोड़ा और उसको साई क्रिया के माध्यम से साई ध्यान के प्रति वो लगातार लेके चले गए। इन सब क्षेत्रों के लिए एक ऐसा परिक्षेत्र होना चाहिए जहां लोग आए और रुके। शिरडी में साई बाबा के समाधि के आशीर्वाद के बाद उनको ज्ञान और ध्यान दोनों की शक्ति देने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए साई बाबा की 65 फुट हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाकर वहां बाबा का मेडिटेशन सेंटर खोला गया है, साई आंगन। इस नाम से यह जाना जाता है। देउड़ गांव गाड़ा, तालुका दौंड, जिला पुणे, यहां साई आंगन की और बारामती क्षेत्र में साई आंगन में इसी क्षेत्र की निर्मित करते हुए उन्होंने यहाँ निजी व्यवस्था के साथ बच्चों के लिए गुरुकुल सिस्टम का इंग्लिश माध्यम का स्कूल, जहाँ बच्चे पढ़े और जहाँ बच्चे गुरुकुल में रहकर गुरुकुल के माध्यम से गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मय श्री गुरुवे नमः, इसका ज्ञान ले पाए। इसी के लिए इसे पूरी तरह से CBSE एवं गुरुकुल के माध्यम से बच्चों को एक सुजान एवं भारत का एक ज्ञानी और अच्छा नागरिक बनाने के लिए वे ये कर रहे हैं। उसी के साथ हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं कि शरीर ही सबसे महत्वपूर्ण संपदा है और उस संपदा को आयुर्वेदा के माध्यम से लोगों को जोड़ना चाहिए। इसीलिए उन्होंने यहाँ साईवाणी आयुर्वेदा हॉस्पिटल की भी निर्मित की है और उस कार्य के लिए वो पूरी तरह जुड़ चुके हैं। पूरे विश्व से लोग साई क्रिया और साई ध्यान के माध्यम से जुड़ रहे हैं और इसीलिए उन्होंने साईवाणीtrust.org इस ई-कॉमर्स की भी स्थापना की है। इस ई-कॉमर्स के माध्यम से हजारों करोड़ों भाई बहन को उन्होंने व्यापार करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया। उनकी कला, उनकी क्षमता, उनका ज्ञान लोगों तक पहुंचाने के लिए साईवाणीtrust.org बहुत बड़े लेवल पर महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है। इसीलिए यहाँ आए, ये बाबा की नगरी है। यहाँ बाबा का विज्ञान, बाबा का आशीर्वाद एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी के साथ लोगों तक पहुंच रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए आज ही साई वाणी के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें या अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9604050607। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो।